आपके स्टेट में कितना पड़ेगी जानने के लिए आप मेरे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए, मैं अप्रोक्सीमेट बोल दूंगा। सो दोस्तों, आखिरकार मेरे पास आ चुका है टीवीएस रेडर की सुपर स्क्वाड एडिशन। पहला मॉडल है आयरन मैन की, जो कुछ साइड व्यू ऐसा दिखेगी, और दूसरा है ब्लैक पैंथर। देखिए सुपर स्क्वाड इसका ब्रांडिंग भी किया गया है 3D लोगो के साथ। हॉर्स का ब्रांडिंग 3D पे है, सामने टेलीस्कोपिक फॉर्क सस्पेंशन सेटअप, और फ्रंट मडगार्ड पे भी थोड़ा सा स्टिकर कॉम्बिनेशन यूज किया गया है दोस्तों। डिस्क ब्रेक मेजरमेंट, इंजन परफॉर्मेंस, हर एक चीज सेम है। टीवीएस ने खाली एक स्टेप कैरी फॉरवर्ड किया है ग्राफिक्स डिजाइन पे। आयरन मैन एडिशन और इधर है ब्लैक पैंथर। एक बार इग्निशन ऑन करो, स्टार्ट डाल दो। पीछे से इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगी, और इसमें है दोस्तों साड़ी गार्ड, लेडीज फुटरेस्ट, एडजस्टेबल पिलियन फुटरेस्ट, और रेडर का 3D पे ब्रांडिंग। 125cc सेगमेंट की 1,20,000 के अंदर सबसे पावरफुल पावर कॉम्पैक्ट बाइक है दोस्तों टीवीएस रेडर। क्लच ब्रेक और क्लच दोनों सिल्वर कलर पे आती है, बाकी इको पावर मोड भी इसमें दिया गया है। मीटर कंसोल चेकआउट कर लो, जिसमें डिजिटल क्लॉक, फ्यूल इंडिकेशन, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर एवरेज, RPM मीटर कुछ इस तरीके से शो करेगी, और मैनुअली एडजस्टमेंट बटन भी इसके द्वारा हर एक चीज़ें सेटअप कर पाओगे, ट्रिप वगैरह। और नॉन फ्लेक्सिबल इंडिकेटर के साथ बाइक आती है। इधर है इसका पावर एंड इको मोड का स्विच, नीचे इसका सेल्फ, इधर आती है हॉर्न जो थोड़ा बहुत लाउड है, टर्न इंडिकेटर, हाई बीम लो बीम, एंड ऑल्सो पासिंग स्विच। मिरर डिजाइन थोड़ा सा चेंज हो चुका है इस वाले मॉडल पे। सामने से इंटरफेस ऐसा दिखेगी, टायर प्रोफाइल मेजरमेंट सेम है, और 3D पे हॉर्स का ब्रांडिंग, सुपर स्क्वाड इधर एडिशन लिखा हुआ है, और नीचे है आयरन मैन, टोटल कंप्लीट स्टिकर कॉम्बिनेशन। टैंक इंजन काउल में भी थोड़ा सा स्टिकर एड ऑन हुआ है दोस्तों टैंक काउल के साथ। रेडर 3D पे है, पीछे टायर प्रोफाइल थोड़ा सा अपग्रेड हो चुका है मैट ब्लैक एलॉय व्हील्स के साथ। आज बस रिव्यू इतना ही, बाद में एक दिन ट्राई करूंगा इसका टेस्ट राइड करने के लिए। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। इधर आती है इसका ब्लैक पैंथर, और उधर रही आयरन मैन। रेडर 3D पे है 66 ब्रांडिंग के साथ। TVS इंटेलिगो सर्विस भी आती है, तो i3S का तरह ही काम करती है। तो भीड़ और ट्रैफिक पे जब जाकर रुकते हो तो ऑटोमेटिकली बाइक स्टार्ट छोड़ देती है, हल्का सा क्लच को दबाइए और थोड़ा सा एक्सलेट कीजिए, धीरे धीरे करके बाइक आगे निकलती जाएगी। तो सीट काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट एंड कंफर्टेबल है दोस्तों, इसमें बैठ के ये फील पाओगे, इसको लेके थोड़ा और भी इसको चलाना चाहोगे। मोबाइल USB चार्जिंग पोर्ट के साथ इंक्लूड आती है, और चाबी का डिज़ाइन भी अब चेंज हो चुका है। स्विच गियर क्वालिटी फिट एंड फिनिश 1,20,000 के अंदर सबसे बेस्ट मुझे लगा रेडर सीरीज की। और सामने से तो कुछ इंटरफेस ऐसा दिखेगी। तो नूर ऑटो सेंटर पे बाइक अभी अवेलेबल है दोस्तों, आप जल्दी से आइए और अपना ड्रीम बाइक के शोरूम से परचेस कीजिए।